प्यारे बच्चों, आप सभी पिछले कुछ दिनों से अपने घरों में छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं और बच्चे अक्सर हमेशा ही छुट्टियों का भरपूर आनंद लेते हैं। लेकिन अब की बार जो ये छुट्टियां हैं, आप सभी जानते हैं कि छुट्टियां किस वजह से सरकार ने की हुई है, फिर भी हमारे देश के हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत आज्ञाकारी बच्चे हैं। वो घर पर सरकार के नियमों का, जो लॉकडाउन है उसके नियमों का पालन करते हुए अपने घर में रह रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और हम सभी बच्चे इस महीने में दोबारा नए सेशन में पाठशाला में जाना शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि सरकार ने लंबी अवधि के लिए लॉकडाउन किया हुआ है, जिस कारण हम पाठशाला में नहीं जा पा रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि हमारी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल रुक सी गई है। अब हमने करना क्या है, स्कूल में हम जा नहीं सकते, घर पे हम अभी मौज मस्ती कर रहे हैं, कभी सारा दिन टीवी पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है बच्चों के पास, जो अपने पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन है, उनके साथ वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, अब जो समय है वो जैसा जैसा हमें दिखाई दे रहा है सरकार के दिशा निर्देश अनुसार कि अब हम लंबे समय तक हमें घर पे रहना पड़ सकता है, और जब लंबे समय तक हमें घर पे रहना पड़ सकता है तो ये भी जरूरी हो जाता है कि हम अपना पढ़ाई का कार्य भी शुरू कर दें। लेकिन अब करें कैसे, बच्चों के पास ना पुस्तकें उपलब्ध हैं, ना वो पाठशाला में जा सकते हैं। हाँ, तो बच्चों उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आप सभी बच्चों के लिए हम आपके घर तक ऑनलाइन टीचिंग लेकर आ रहे हैं, और यह जो ऑनलाइन टीचिंग है इसको आप अपने पेरेंट्स के फोन से, भाई के फोन से, चाचा ताऊ जिसके पास भी ये स्मार्टफोन है उस पर अपनी व्हाट्सएप लिंक से, यूट्यूब से आपको टीचर स्कूलों से सामग्री भेजेंगे, उससे अपना कार्य पढ़ाई का शुरू कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे बड़े आज्ञाकारी हैं, वो कार्य को बड़े चाव से करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अप्रैल का महीने में हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है, इसलिए अब ये पढ़ाई हमारी जो है डिस्टर्ब ना हो, ये रुके ना, उसके लिए हम आप सबके लिए ऑनलाइन टीचिंग लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों उसी कड़ी में मैं आज आप सबके लिए कक्षा 4 विषय है हिंदी। हिंदी के अंदर हमारा पहला ही पाठ है जादूगर यह है कौन। ये कविता है राज नारायण चौधरी द्वारा लिखी हुई, इसको मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को यह कविता पसंद आएगी, इसको ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसको अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कविता ऐसे बोल के या गा के सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है जादूगर ये है कौन। जादूगर, जादूगर बच्चों आप जानते हैं, जादूगर कौन होता है, जो जादू का खेल दिखाता है। आपने अक्सर छोटे बच्चे आखिर कम ही देख पाते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं हमारे स्कूलों में भी जादूगर या गांव में जादूगर आ जाते हैं जो हमें जादू का खेल दिखाते हैं। तो जादूगर कौन होता है, जादूगर होता है जो जादू का खेल दिखाए, जादू के करतब दिखाए। तो भाई ये कविता है कि जादूगर ऐसा कौन है। तो मैं कविता आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। काली खुली जटाओं वाला जादूगर यह है कौन, कहां कहां से नभ में आता, कहां कहां से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता, पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर यह है कौन। ऐसे छू मंत्र पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, दिन को रात बनाने वाला जादूगर यह है कौन। धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता, धरती तक ऐसे झुक जाता
जैसे हाथी सूंड नवाता, सबका चित लुभाने वाला जादूगर यह है कौन? सबका चित लुभाने वाला जादूगर यह है कौन? जब जब इसके दिल में आता, जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदे टपकाता, जब जब इसके दिल में आता, झोले से बूंदे टपकाता, धरती को सरसाने वाला जादूगर यह है कौन? तो बच्चों ये कविता है जादूगर यह है कौन। जैसे ही मैंने आपके सामने अभी कविता को पढ़ा है, अच्छे बच्चे समझ गए होंगे कि ऐसा जादूगर कवि यहाँ पर किसको बता रहा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दोबारा से इसको बोर्ड की सहायता से आप लोगों को एक एक पंक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि जादूगर यह है कौन, जादूगर आपको मैंने बता दिया है काली खुली जटाओं वाला। जटा, जटा जो शब्द है, जटाएं होती हैं केश बाल, काली खुली जटाओं वाला। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि आपने देखे हैं टीवी पे सीरियल में जिनकी जटाएं बड़ी बड़ी होती हैं। आप जैसे गांव के अंदर बहुत सारे कीर्तन जगराते देखते हैं, नवरात्रों में देखा होगा आपने कि बहुत सारे जो हमारे भगवानों के रूप धारण करते हैं शिव का, उनकी जटाएं कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, वो काली काली खुली जटाओं वाला जादूगर है कौन। कभी कहते कि भाई ऐसा जिसका जो रूप है वो ऐसा दिख रहा है जैसे कि किसी की काली खुली जटाएं हो, ऐसा ये जादूगर कौन है जो ऐसा दिखाई देता है। कहां कहां से नभ में आता, नभ आसमान, नभ आसमान, कहां कहां से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता। अब नभ में आसमान में पता नहीं अचानक आसमान साफ है, अचानक कहीं से आ जाता है और तरह तरह के कर्तव्य या खेल यह दिखाता है। क्या खेल दिखाता है आगे बता रहे हैं, पवन पंख पर उड़ने वाला, पवन पंख के समान, पवन रूपी पंख पर उड़ने वाला। जैसे कि आप जानते हैं कि आसमान में आप देखते हैं वो ऐसा कौन सा जादूगर है जो यदि इधर की हवा है उधर की हवा, जिस तरफ की हवा चल रही है ये उसी तरफ उड़ता हुआ हमें दिखाई देता है, जादूगर ही है कौन। पर ये ऐसा जादूगर कौन है, ऐसे छूमंतर पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, दिन को रात बनाने वाला, ऐसे छूमंतर, ऐसे छूमंतर पढ़ देता, सूरज को ओझल कर देता, दिन को रात बनाने वाला जादूगर यह कौन। जैसे ना हम छूमंतर पढ़ देते हैं अचानक एकदम छूमंतर, तो कहते हैं ऐसे छूमंतर पढ़ देता, जैसे कोई छूमंतर पढ़ देता है ऐसे ही ये सूरज को ओझल कर देता है, सूरज को ढक लेता है। ओझल, ओझल होता है इस चीज को छिपा लेना ढक लेना, ये सूरज को ऐसे ओझल कर देता है और एक पल भर में दिन को रात बना देता, और एक पल भर में ही ये दिन को रात बना देता है। तो बच्चों सोचो ऐसा जादूगर कौन है। ये कवि हमसे बार बार पूछ रहा है कि काली खुली जटाओं वाला कहां कहां से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता, पवन पंख पर उड़ने वाला जादूगर यह है कौन, ये ऐसा कौन जादूगर है जो ऐसे ऐसे करता दिखाता है। हाँ तो बच्चों आगे क्या कहते हैं, हमने पहले क्या पढ़ा था कि भाई दिन को रात बनाने वाला जादूगर यह है कौन। आप उस आगे क्या करते हैं, धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता, सबका चित लुभाने वाला जादूगर यह है कौन। धरती तक ऐसे झुक जाता, बच्चों आपने कभी धरती के बिल्कुल जो हम दूर से देखते हैं उस छोर पर कुछ ऐसी चीज दिखाई दी जो कभी बिल्कुल धरती को बिल्कुल मिलने को है, धरती तक कैसे झुक जाता है, कैसे झुक जाता है जैसे कोई हाथी अपना सूंड झुका रहा है, सबका चित लुभाने वाला और इस सबके मन को अच्छा लगता है, ऐसा जादूगर यह है कौन है। चित मन हृदय, जब जब इसके दिल में आता झोले से बूंदे टपकाता, धरती को सरसाने वाला जादूगर यह कौन। अब आप समझ जाएंगे कि ऐसा जादूगर यह कौन है, जब जब इसके दिल में आता, ऐसा जादूगर है जब इसके दिल में आता है
तब ये अपने झोले से बूंदे टपकाता है। आप देखिए बच्चों, झोले से बूंदे कौन टपकाता है, अर्थात बूंदे कहाँ से आती हैं, धरती को सरसाने वाला। और जब बूंदे टपकती हैं तो धरती को बहुत अच्छा लगता है, सरसाने वाला होता है, मन को खुश करने वाला या सबको अच्छा लगने वाला। धरती को, अर्थात धरती को बहुत अच्छा लगता है जब ये बूंदे टपकाता है। जादूगर यह है कौन, ऐसा जादूगर कौन है? तो प्यारे बच्चों, इस पूरी कविता में आपने देखा कि वह ऐसा जादूगर है जिसकी जटाएं खुली हुई हैं, अर्थात वह आसमान में हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई खुली जटाओं वाला संत महात्मा हो, और अचानक ये आकाश में नभ में आ जाता है और तरह तरह के हमें खेल दिखाता है। भाई ऐसा जादूगर कौन सा है जो कभी आसमान में कभी इधर से उड़ रहा है, कभी उधर से उड़ रहा है और सूरज को ओझल कर देता, और ये एक पल भर में ही जैसे हम छू मंत्र पढ़ देते हैं या बोल देते हैं, ऐसे ही सूरज को भी ढक लेता है, और ये एक पल भर में ही दिन को भी रात में तब्दील कर सकता है। धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता, और धरती तक झुककर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई हाथी अपना सूंड झुका रहा हो, झुकाता हो। जब जब इसके दिल में आता झोले से बूंदे टपकाता, जब इसका मन करता है ये अपने झोले से बूंदे टपकाता है, अर्थात ये वर्षा कर देता है। तो प्यारे बच्चे, आप समझ गए कि ऐसा जादूगर कौन है। कवि ने यहाँ पर जादूगर जो है वो बादल के लिए प्रयोग किया है। आप सभी जानते हैं कि जो बादल है वो आसमान में कैसा दिखाई देता है, वो काला काला हमें दिखाई देता है, पल भर में सूर्य को भी वो ओझल कर सकता है, दिन में को भी वो रात बना सकता है, और हमें ऐसे झुका हुआ भी दिखाई देता है जैसे कोई हाथी अपना सूंड झुका रहा हो, और वो सबको, सबके मन को भी बड़ा अच्छा लगता है। और बादल के पास ही, बादल के ही झोले में बूंदे होती हैं, जब ये वर्षा करता है अपने झोले झोले से, बादल रूपी झोले से जो वर्षा करता है, तो वर्षा से हमारी धरती जो है वो खिलखिला उठती है, चारों तरफ हरी भरी हो उठती है। इस प्रकार ये पूरी कविता के अंदर कवि ने, जो हमारे कवि हैं इसके राज नारायण चौधरी जी, इन्होंने पूरी कविता के अंदर ये बताया कि जो ये जादूगर यह कौन है, यह कौन, हमने पता लगाना था कविता को पढ़कर, तो हमने यह पता लगाया कि ये जादूगर जो है वो है बादल है जो आसमान में छाया रहता है। तो प्यारे बच्चों, आगे हम अब इसके करते हैं जादूगर यह कौन पाठ के कठिन शब्द। कठिन शब्द जटा, केश, बाल, चित, मन, जादूगर जादू का खेल दिखाने वाला, नभ आकाश, नवाता झुकाता, पवन पंख हवा रूपी पंख। जो जादूगर है, जो बादल है, वो हवा रूपी पंख लगाकर इधर उधर उड़ता रहता है, इसलिए यहाँ पर पवन पंख को प्रयोग किया गया है, हवा रूपी पंख। सरसाने वाला, मन को खुश करने वाला, ये ऐसा सारे गुण जो है वो हमारे बादल में पाए जाते हैं। तो ये बच्चों, आपने कविता को पहले सुना, उसके बाद आपने बोर्ड को इसको एक लाइन टू लाइन समझा, कोशिश की समझने की, उसके बाद मैंने आप लोगों को कठिन शब्दार्थ करवाए। अब आपका जो कार्य है वो ये है कि आप इस कविता को दो बार अच्छी तरीके से पढ़ें, जोर जोर से पढ़ें, कठिन शब्दों को याद करें, उनको लिखें, उसके बाद इस सारी कविता को साफ साफ सुंदर अपनी कॉपी में लिखें, और कॉपी में इसको लिखने के बाद अपने कठिन शब्दार्थ भी अपने अपने कॉपी में उतारने हैं, और इसके बाद अगला जो इसके पाठ के प्रश्न उत्तर जो व्याकरण भाग है वो आपको अगले टॉपिक अगले भाग में करवाया जाएगा, और आप उसके लिए लगातार इसको देखते रहें। पहले आपने पहले भाग का कार्य करना है, कविता को पढ़ना है, उसको लिखना है, कठिन शब्दार्थ लिखने और याद करने हैं। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, अगले भाग में आपको इसके प्रश्न उत्तर और व्याकरण भाग करवाया जाएगा। धन्यवाद।